वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप छोटे लेवल से एक क्लिनिक के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर आदर्श वर्मा मौजूद हैं, जिनका खुद का एक क्लिनिक है और हाल ही में इन्होंने शुरू किया है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप क्लिनिक के बिज़नेस को शुरू करेंगे, इसके लिए आपको कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे, शुरुआती तौर पर आपको कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए, दवाइयाँ आप रखेंगे तो इनका कॉस्ट कितना जाने वाला है, शुरुआती तौर पर क्लिनिक को शुरू करने में कितना पैसा है और इसे स्टार्ट करते हैं तो आपकी कितनी अर्निंग होगी, इसे कहां पर आपको शुरू करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस करने पड़ते हैं अगर आप एक क्लिनिक खोलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिप्लोमा डी फार्मा कर सकते हैं या बैचलर डिग्री बी फार्मा भी कर सकते हैं और या बीओएमएस या बीएएमएस भी कर सकते हैं इसके साथ, और उनसे आप छोटा सा क्लिनिक या दो चार बेड का खोल सकते हैं उसके लिए क्लिनिक। जी, तो ये कुछ वो कोर्सेस हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप आसानी से एक छोटे लेवल पर क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे मेडिसिंस होते हैं शुरुआती तौर पर जिन्हें हमें रखना चाहिए अगर हम एक क्लिनिक को शुरू करते हैं? देखिए, जनरली पेन किलर हो गया और पैरासीटामोल हो गया और जो एंटीबायोटिक हैं, सिफेक्सिम हैं, एजिथ्रोमाइसिन हैं और भी कई आती हैं मेडिसिंस जो जनरली बुखार में या वायरल में यूज़ होती हैं, उन चीज़ों को रखना ज़्यादा आवश्यक होता है यहाँ पे। तो कुछ बेसिक मेडिसिंस जो कि बुखार में, फीवर में और जो भी वायरल डिजीज़ चल रहे होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें रखना होता है। चलिए अगले इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि अगर हम क्लिनिक को शुरू करते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहब हमें फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, अगर आपकी क्लिनिक प्रॉपर लोकेशन पर नहीं है तो वहाँ पे मान लिया अगर रोड पे कोई आपकी क्लिनिक नहीं है या आप चौराहे पे क्लिनिक नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट्स की क्वांटिटी कम हो सकती है और वहाँ पे पेशेंट कम आएंगे, इसीलिए आपका क्लिनिक आगे बढ़ने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। जी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आप क्लिनिक को शुरू करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर लोकेशन नहीं होगी तो कस्टमर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होगी और बिज़नेस फुल्ली डिपेंड होता है कस्टमर्स के ऊपर। चलिए अगली चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है अगर हम एक घर के लेवल से क्लिनिक को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20 से 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरुआती तौर पे आ जाता है और उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ोतरी करते रहें तो आपका अच्छे लेवल तक जा सकता है क्लिनिक। अच्छा, अगर अच्छे लेवल पर पूरा एक प्रॉपर क्लिनिक ज़मीन के साथ बनाएं और उसको बनाने के बाद वहाँ बेड रखें प्रॉपर, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट समथिंग आएगा एक अच्छे लेवल पर? उसके लिए देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर ज़मीन है आपके पास ली है तो उसके लिए 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम ये खर्चा हो सकता है और आपकी ये मान लिया कि ज़मीन कहाँ पे है, किस तरह की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की ज़मीन ले रहे हैं आप। जी, तो ज़मीन की जो कॉस्ट होती है वो अलग से ऐड होगी और ज़मीन के अलावा यहाँ 5 से 6 लाख रुपए समथिंग इन्वेस्ट होगा अगर प्रॉपर हॉस्पिटल टाइप क्लिनिक आप अपना शुरू करते हैं तो। चलिए अगली चीज़ की यहाँ बात करते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी होगी क्लिनिक में अगर हम छोटे लेवल पर इसे शुरू करते हैं या फिर हम बड़े लेवल पर करते हैं, क्योंकि दोनों लेवल्स पर अलग अलग अर्निंग डिपेंड करती है। तो डॉक्टर साहब, अगर छोटे लेवल पर कोई बिज़नेस शुरू करता है क्लिनिक तो उसमें कितनी अर्निंग हमारी हो सकती है पर डे की? देखिए, अगर छोटे लेवल पे क्लिनिक खोलते हैं आप तो उसमें 1 से 2 हज़ार रुपये इनकम हो सकती है और अगर आप बड़े लेवल पे क्लिनिक खोल रहे हैं तो उसमें 5 से 6 हज़ार की इनकम मिनिमम है। वो डिपेंड करता है कि आपके क्लिनिक का साइज़ कितना है और उसमें बेड कितने पड़े हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर बेड 3 से 4 बेड का है तो उसमें 5-6 हज़ार मिनिमम इनकम है और अगर छोटे लेवल में जैसे बेड नहीं है तो उसमें अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें 1 से 2 हज़ार की इनकम मिनिमम रहती है। जी,
तो ये एक छोटी सी वीडियो की थी कि किस तरीके से आप क्लिनिक के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इसमें आप कितनी तक अर्निंग कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।